हरे कृष्णा हरे कृष्ण टू ऑलोटीज सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के लिए जब तक और भी दूसरे डिवोटीज ज्वाइन करते हैं तब तक द we'll मंत्रास, मेरे पीछे दोहराइए मेरा ज्ञान शला चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशे तारिणी जय गौर भक्त श्रीवासादिगौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रामा, राम राम हरे हरे नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तर भवती नैष्ठिके रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय सात श्लोक संख्या तीन तो जब तक हम लोग आगे बढ़े आज का आज का जो श्लोक है वो देखें उसके पहले जो पिछले दो श्लोक हैं उनमें क्या अब तक हम लोगों ने देखा तो हमने देखा लास्ट चैप्टर में छठे नंबर चैप्टर में शौनक ऋषि ने शौ, शौनक ऋषि ने जो प्रश्न पूछा था सूत गोस्वामी से और सूत गोस्वामी ने उस प्रश्नों के उत्तर के जवाब में उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में नारद मुनि और देव जी का कन्वर्सेशन बतलाया उस कन्वर्सेशन में हमने देखा कि नारद मुनि ने स्वयं अपने पास्ट लाइफ के विषय में बतलाया पिछले जीवन के विषय में बतलाया जब वो सब समाप्त हो गया तो सोनक ऋषि अब फिर से प्रश्न करने जा रहे हैं सुध गोस्वामी को कि जब नारद मुनि ने व्यास देव जी को सब कुछ दे दिया फिर व्यास देव जी ने क्या किया ये पहला नंबर श्लोक था दूसरे नंबर में सुध गोस्वामी अब फिर से उनके नए प्रश्नों के उत्तर देने को शुरू कर रहे हैं कि व्यास देव जी अपने आश्रम में ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम सरस्वती नदी के किनारे उनका आश्रम है पश्चिम तट पर सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर सम्यप्राश नाम का जगह है जहां के उनका आश्रम है और वहां पर उन्होंने क्या किया अपने जो भी वैदिक एक्टिविटीज होते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज उसको करना प्रारंभ किया और कैसे कैसे क्या क्या, क्या किया उसका वर्णन आज के श्लोक में हम लोग देखेंगे ओके okay. सो so, कैंटो फर्स्ट स्कंद एक अध्याय सात श्लोक संख्या तीन ओके okay. वर्णन चल रहा है सम्य प्रास का वर्णन चल रहा है पत्रिकाश्रम का बत्रिकाश्रम के दूसरे ब, हिमालय नजदीक का ओके सो श्लोक संख्या तीन तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी शंड मंडित आसीनोप उपस्पृश्य प्रणीद्यौ मन स्वयं अब यहां पर शब्द आया बदरी संड मंडित बदरी बदरी बेर बेरी बेर के वृक्ष को बेर के फल को बदरी और बदरी संड वृक्ष उनकी जो कुटिया थी आश्रम था, वो किससे घिरा हुआ था? तो वो घिरा हुआ चारों तरफ से बदरी के वृक्षों से बेरी के ट्रीज से बेर के वृक्षों से इसीलिए उसको बद्री का आश्रम भी बोलते हैं और भगवान का नाम भी बद्रीनाथ है वहां पर क्योंकि वहां पर बहुत सारे पेड़ के वृक्ष पाए जाते इसीलिए उस जगह का नाम बद्री है ओके बद्रीनाथ भगवान का नाम भी तो इस श्लोक में उस जगह का वर्णन है बस कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बस आप सुने आई थिंक इसमें तात्पर्य नहीं है आ, छोटा सा है यस होलरी सुषमा कौल माता जी पढ़ी अनुवाद और तात्पर्य प्रभु जी हरे कृष्णा उस थान, उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से गिरे हुए अपने आश्रम में श्रील वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए हरे कृष्णा प्रभु तात्पर्य भी है दो लाइन का एक लाइन का हम तात्पर्य श्रील शिला जरा श्रील प्रभुपाद की जय अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार व्यासदेव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण सो so, पहले तो मैं बहुत दिनों से नहीं था क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था थोड़ा ज्यादा ही ट्रेवल लंबा मैंने कई सारी तस्वीरें आप लोगों को भेजी थी मैंने तस्वीरें भेजी थी कस किस किंधा से मॉडर्न नेम या 500 हंड्रेड ईयर्स बैक उस प्लेस को बोलते थे विजयनगर जहाँ के किंग थे किंग कृष्ण देवराय श्री कृष्ण देवराय ओके विजयनगर और विजयनगर में बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो आ, वहां के महाराज श्री कृष्ण देवराय ने बनाया था और वही जगह और अगर पौराणिक चले जाएंगे तो वह प्लेस है माउंटेन से घिरा हुआ अभी उसको हम्पी बोलते हैं बिल्लारी कर्नाटका के पास है ओके हम्पी और वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं और पुराने समय में जाएंगे उसको किसकिधा भी वही था बंदरों की सेनाओं का जगह सुग्रीव बाली का जगह किसकिधा और वहीं पर हनुमान जी का भी जन्म हुआ है उसका नाम है अंजनाद्री वो 540 स्टेप्स चढ़ के सबसे ऊपर जाते हैं वहाँ पर हनुमान जी का बर्थ प्लेस फिर वह माउंटेन रघुनाथ गिरी जहाँ पर रामचंद्र जी से फर्स्ट टाइम हनुमान जी मिले थे और वहां से हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर के सुग्रीव के पास जाते हैं है ना एक दूसरे पर्वत पे जहाँ की बाली नहीं आ सकता था गोमुख पर्वत और समथिंग लाइक दैट नाम था उसका सो so, वो पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर सिचुएशन बहुत सुंदर वातावरण वैसे वहाँ स्कॉर्चिंग हीट रहता है वहाँ बारिश बहुत कम होती है लेकिन जिस दिन मैं गया उस दिन बिल्कुल मौसम बिल्कुल ऐसा ही था जैसा अभी दिख रहे होंगे आप लोग का जो सनी वेदर है वैसा है ना गर्मी ज्यादा होती है लेकिन उस दिन गर्मी नहीं थी और वो बिल्कुल तुंग भद्रा रिवर के किनारे बसा हुआ है वहीं पर फेमस शिवजी का भी मंदिर है जो सबसे बड़ा मंदिर है वो थोड़े से शहर की तरफ है उसको बोलते हैं विरूपाक्ष टेम्पल विरूपाक्ष है ना शिवजी का टेम्पल है सो मैं ट्रेवल में था और अपने दूसरे एक टेम्पल में गया था हुबली टेम्पल में कार्तिक पूर्णिमा और कीर्तन मेला को लेकर के मैं वहां था दो दिनों के लिए फिर ट्रेवल कर रहा था फिफ्टीन से फिर से मैं बैंगलोर रहूंगा बैंगलोर और साउथ इंडिया के कई सारे टेंपल्स दिव्य देशम साउथ इंडिया में आ, आ, कांची विष्णु कांची शिव कांची विष्णु जी के मंदिर और शिव जी के मंदिर से तो दर्शन होगा फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग वो रहें और एनी हाउ तब तक आप सभी क्लासेस में आई थिंक अभी नाइनटीन लोग चले जाते हैं तो हर दिन भागवतम सुनना है ओके जैसे बहुत सारे डिबोटी हमारे मंगला आरती मंगलारती आरती में आते हैं ऑनलाइन करेक्ट तो वो भी जरूरी है और नित्यम भागवत सेवरी एवरीडे हर दिन भागवतम की क्लासेस होनी चाहिए तो मैं नहीं रहता हूं तो राजीव लोचन प्रभु की क्लासेस चलती है उसमें आइए एक्चुअली मैं राजीव लोचन प्रभु के साथ ही गया था उस दिन और राजीव लोचन प्रभु ही वहां प्रेसिडेंट है कुबली टेम्पल में तो मैं उनके साथ ही दो दिन चार चार घंटे का कीर्तन था बड़ा सा बहुत सारे डिवोटीज थे और नाइन फोर्टी तक कीर्तन होता था बहुत ही जोरदार तरीके से कार्तिक का एंड मैंने पिक्चर्स भेजा था कितने सुंदर यशोदा कृष्णा का तस्वीर की मूर्ति और आ, आ, वो जो कुबेर के दो पुत्र हैं उनकी बहुत सुंदर सा स्टैचू बना हुआ था एक डायरे टाइप का ओके सो आज का जो टॉपिक है वो यह है कि बद्री का आश्रम जहां पर व्यासदेव जी का गांव है आश्रम है समय प्रास में वहां पर वो पूरा का पूरा जगह बद्री के वृक्षों से बेर के वृक्षों से घिरा हुआ है इसलिए उस जगह का नाम बद्री का आश्रम है उस आश्रम को उस प्लेस का और वहां पर वो नारद मुनि के बतलाए गए तरीके के अनुसार ध्यान मग्न है अब देखिए किस प्रकार से कौन से योग कर रहे हैं किस योग का पालन कर रहे हैं इसका वर्णन अब अगले श्लोक में दिया गया है श्लोक संख्या चार में ओके okay. सो so, वो इस प्रकार है भक्ति योगे न मनसी सम्य प्रणिते मले अप्य पुरुषम पूर्णम माया तदा तदपाश्रय तद भक्ति योगे न मनसी नारद मुनि ऐसे नहीं आंख बंद करके कुछ और कर रहे थे नारद मुनि ने देव जी को क्या बतलाया था नारद मुनि ने देव जी को भक्ति योग क्या ज्ञान दिया था जो अभी हम लोग कर रहे हैं जो शिल जी दे रहे हैं तो भक्ति योग के द्वारा मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है सम्यक परफेक्टली अच्छे से कंट्रोल करने का तरीका क्या है तो मन की इंद्रियों को लगाते हुए प्रणिहित अमले इसी भी प्रकार से जो यहां पर तीन गुण है इस भौतिक संसार में उसके टच में आए मतलब इतनी एकाग्रता के साथ इतनी शुद्धता के साथ उन्होंने क्या किया अपने मन को भक्ति योग में लगाना शुरू किया मींस भक्तियोग को करना शुरू किया है ना और जब किसी भी मोड्स के किसी भी गुणों के टच के बिना अमल 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 मीन्स मल विदाउट डर्ट विदाउट द टच ऑफ गुण हम सारे लोग यहां पर क्यों फॉल्ट या क्यों गलतियां करते हैं या क्यों सिन करते हैं हम क्यों पाप करते हैं क्योंकि हम सब प्रभावित हो जाते हैं तीन गुणों के कारण सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण हमको बांधता है जो पाप होता है वो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के कारण होता है इन दो गुणों में रहेंगे तो सिन करेंगे आप पाप कर्म इकट्ठा करेंगे ओके, सतोगुण में रहेंगे तो आप पुण्य कर्म इकट्ठा करेंगे लेकिन आध्यात्मिक भक्ति योग के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों गुण या तो आप पाप करें या पुण्य करें आप सिचुएशन वैसा ही है ऑलमोस्ट ओके okay? तो पाप और पुण्य से दोनों से ऊपर ऊपर उठ करके हमको हमको शुद्ध पुण्य का काम करना है है ना उसको बोलते हैं सात्विक पुण्य उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व का पुण्य करना है हमको सत्गुण से भी ऊपर उठना है तो यहां पर व्यास देव जी शुद्ध सत्व में प्रवेश करके उसी को बोल रहे हैं सम्यक मनसी प्रणित अमले क्या किया जब उन्होंने इस प्रकार से अपने मन को बिल्कुल प्योरिटी के साथ देव जी ने जो तरीका बतलाया था जब उसको उन्होंने वहां पर उस क्रिया को किया तो क्या हुआ अपश्यत पुरुषम पूर्णम उन्होंने पूर्ण पुरुष को देखा उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए और क्या मायाम च तद अपाश्रयम केवल कृष्णा को नहीं देखा उन्होंने कृष्णा के बैक साइड में माया देवी को भी देखा और माया देवी को देखा कैसे देखा माया देवी को माया देवी को देखा कि वो बिल्कुल कृष्णा के कंट्रोल में है माया च तद अपाश्रयम तद मतलब भगवान कृष्ण के अपाश्रयम आश्रयम वो माया देवी भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप से आश्रय में है मतलब भगवान की राशि भगवान के कंट्रोल में है और भगवान के निर्देशानुसार वो भौतिक जगत में काम करती है भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं मयाधक्षे न प्रकृति सुयते सचरा सुय चरम मया अयाधे न प्रकृति यहां भी वही बात है मायाम च तद अपाश्रयम और वहां भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में मेरी निगरानी में ये माया प्रकृति जो है माया देवी प्रकृति वो क्या करती है काम करती है बद्ध जीवों को जो लोग भगवान से विमुख हैं उनके ऊपर शासन करती है लेकिन भगवान के पूर्ण कंट्रोल में होती है ओके सो so, अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद की जय सुनीता माता जी हैं तो रीडिंग करिए अनुवाद और तात्पर्य ओके okay. सुनीता माता जी नहीं है तो हर्षिता माता जी पढ़ें हरे कृष्णा प्रभु जी अनुवाद इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा अर्थात भक्ति योग से बंद कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया इस तरह उन्होंने परमेश्वर के अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया okay, okay. एक मिनट एक मिनट इसको फिर से रिपीट करना है आप लोग ध्यान से सुनिए रिपीट फिर कोई और करेगा रिपीट भावना गुप्ता महताजी रिपीट करिए ट्रांसलेशन हरे कृष्ण इस इस प्रकार उन्होंने बौद्धिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा भक्ति योग से बंद कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया हुँ. इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया हरे कृष्णा प्रभु थैंक okay. यू प्रभु हरे कृष्णा सो so, यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर जो अमले शब्द है उसका अर्थ और यहाँ पर प्रपाद जी लिख रहे हैं कि बिना किसी बोल रहे हैं कि भौतिकता में उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना या बोलने भौतिकता की लिप्तता के बिना आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है भौतिकता में लिप्तता नहीं होगा भौतिक इक्त, भौतिकता की लिप्तता मतलब कहने का अर्थ क्या है भक्ति हम सारे लोग ये एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल चीज है इसलिए इसको डिस्कस करते हैं यहां बोला जा रहा है हम भक्ति तो करेंगे लेकिन हम भौतिकता को नहीं छोड़ेंगे मेटलिज्म को नहीं छोड़ेंगे मेटलिस्टिक बिहेवियर को नहीं छोड़ेंगे क्या है वो मेटलिस्टिक बिहेवियर ओ मुझे टी कॉफी अच्छा लगता है मैं पीऊंगा मुझे ओनियन गार्लिक अच्छा लगता है मैं करूंगा मुझे मूवी हॉल जाना है मुझे पार्टियों में जाना है मुझे ये करना है रेस्टोरेंट घूमना है चारों तरफ खाना पीना है और मैं भक्ति भी करूंगा मंदिर भी जाऊंगा और कभी कभाल एक दो माला जाप भी कर लूंगा या जब भी करूंगा सब करूंगा इसको बोलते हैं भौतिकता की लिप्तता मतलब जब हम भक्ति कर रहे हैं और जब हम भक्ति में आते हैं तो भौतिकता की लिप्तता होती है मतलब हम जब भक्ति शुरू करते हैं तो भौतिकता वाली जो पहले पुरानी कार्य थे वो भी थोड़े से साथ होते हैं लेकिन जब हम भक्ति में बढ़ते हैं धीरे धीरे तो भौतिकता की लिप्तता कम हो, होनी चाहिए स्लोली स्लोली कम हो करके जब हंड्रेड परसेंट जीरो होगा कैसे जैसे व्यासदेव जी ने लिप्तता बिल्कुल शून्य कर दिया उसको बोलते हैं अमलम भक्ति भक्ति योगे न मनसी हंड्रेड परसेंट शुद्ध सेंट परसेंट शुद्ध भक्ति तो हमें भी ध्यान देना है कि हम छह दो महीने पहले कहाँ थे अभी दो महीने के बाद कहाँ पहुंचे है? है ना और फिर हमको मेंटेन भी करना है भक्ति को मेंटेन करना है कल्टीवेट बोलते हैं जैसे कि जैसे कई बार बोला जाता है कि जैसे पौधे को हम लगाते हैं प्लांटेशन और कल्टीवेशन करते हैं करेक्ट कल्टीवेशन तो उसी प्रकार से हमको कल्टीवेट करना है भक्ति के पौधे को भक्ति के लता को ओके, भक्ति के लता को हमको कल्टीवेट। अभी हम लोग जब भक्ति में आते हैं ना तो भक्ति का बीज इधर आता है ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज तो प्रभुपाद जी की कृपा से और कृष्णा की कृपा से कृष्णा की कृपा से हमको प्रभुपाद जी मिले हैं और प्रभुपाद जी ने हमको क्या किया है कृष्ण से हमारे अंदर भक्ति का बीज दिया है भक्ति सीड अब वो भक्ति सीड है हमारे अंदर अब जब हम रोज नाम जप करते हैं भागवतम सुनते हैं भगवत गीता सुनते हैं भगवान का प्रसाद खाते हैं दर्शन करते हैं आरतीज तो क्या होता है वो भक्ति लता को सिंचा जाता है कल्टीवेट किया जाता है जल डाला जाता है श्रवण कीर्तन जले करे नि श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवान के नाम को बोलकर सुनकर कथाओं को सुनकर बोलकर क्या होता है हम सींचते हैं कल्टीवेट करते हैं पानी डालते हैं बढ़ाते हैं पौधे को लता बीज बढ़ता है तो भक्ति का जो लता है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा कल्टीवेट करना पड़ेगा तो यहां पर वह पॉइंट आ रहा है कि किस प्रकार से भक्ति योग में बिल्कुल शुद्धता के साथ भौतिकता की लिप्तता को कम करनी पड़ेगी मतलब जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो स्लोली स्लोली कम होकर के जब जीरो होगा हमको पता होना है कि हम यहां तक पहुंचे हैं ये चीजें हम क्रॉस करके यहां तक आ गए तो सबसे पहला क्या होता है हम सबसे पहला पहले पा, ये नहीं देखते हैं कि तो ये कमियां कमी को दूर करो फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे ऐसे नहीं प्रोसेस है भक्ति का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि इसको हटाओ फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या प्रोसेस भक्ति का भक्ति का प्रोसेस है इसको जोड़ो भक्ति के अंग को जोड़ो अपने आप जो भक्ति की चीजें नहीं है वो खत्म हो जाएंगे सबसे पहले हम भगवान के नाम का जप शुरू करते हैं भगवान के नाम का जप अगर श्रवण करेंगे तो शक्ति मिलेगा हमको अपनी भौतिकता वाली बिहेवियर को दूर करने ओके? Okay? तो जितने अच्छे से हम जब करते हैं भगवान का हम में उतना जल्दी अच्छे से भौतिकता से वैराग्य आता है भौतिक चीजों से वैराग्य नहीं होना है है ना हमको बिल्डिंग मकान कपड़े वस्त्र इस सबसे वैराग्य नहीं होना है भौतिकता से वैराग्य होना है भौतिकता मतलब उन चीजों का प्रयोग ना अपने लिए खूब करना है ना उसको बोलते हैं भौतिकता भौतिकता मतलब जब व्यक्ति अपने आप को लाइम लाइट में लाता है जब व्यक्ति अपने आप को दिखलाना चाहता है लोग उसको बोलते हैं भौतिकता भौतिक वस्तुएं तो भगवान ने ही बनाया है भौतिक वस्तुओं से दूरी नहीं भौतिक वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में करना भक्ति कहलाता है तो यहां पर व्यास देव जी ने भक्ति योग को शुरू किया लेकिन किसी भी प्रकार से भौतिकता में भौतिकता से लिप्त नहीं है वो किसी भी प्रकार से तब क्या होता है भगवान के दर्शन हो गए तो क्या केवल उनको हुआ और किसी को नहीं होगा नहीं सबको होगा जो उस प्रोसेस को उसी प्रकार अपनाएगा ये तो साइंस है साइंस जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं एक निश्चित रेसी है ना उसका रेशियो अनुपात है है ना? S2O, है ना? ना? तो जब उस रेसियो में उस अनुपात में मिलाया जाता है दो अलग अलग तत्व तो को, तो ऑक्सीजन वाटर बनता है जल बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उसी प्रकार से भक्ति योग में भी प्रोसेस है और अगर हम निश्चित अनुपात में काम को करेंगे तब जाकर के उसका रिजल्ट मिलेगा क्या है रिजल्ट भगवान के दर्शन और भगवान अकेले थोड़ी ना रहते हैं भगवान अपनी शक्तियों के साथ रहते हैं नारद व्यास देव जी ने भगवान और भगवान की शक्ति माया शक्ति को भी देखा बैक साइड ऑफ कृष्ण भगवान कृष्ण के बैक में माया देवी मतलब या तो हम माया देवी के संपर्क में रहते हैं नहीं तो भगवान कृष्ण के संपर्क में रहते हैं अगर हमने अपने मुख को भगवान कृष्ण से मोड़ दिया तो अब माया देवी के दर्शन होगा इसीलिए आचार्य बोलते हैं बहिर बहिर्मुख जीव भोगवान छा करे बहिर्मुख मतलब चेहरे को भगवान की तरफ से घुमा लेना मतलब भगवान ने जो बोला वो सब कहना सुनना बंद हम जो कह रहे हैं मेरा जो मन कर रहा है वो करेंगे हम मतलब बहिर्मुख जीव भगवत गीता में जो भगवान ने बतलाया प्रभुपाद जी ने बतलाया उसको नहीं करेंगे तो वैसा जीव अपने भोगवां के लिए इंद्र तृप्ति के लिए क्या करता है बहिर्मुख जीव भोगवां करे ऐसा व्यक्ति जब ऐसा सोचता है इस प्रकार से और काम करता है तो क्या होता है निकटस्थ माया तरे झपटी आदर तुरंत उसको माया देवी कैप्चर कर लेती जैसे ही आप भगवान कृष्ण के कहने कहे हुए चीजों को नहीं करेंगे माया आपको कैप्चर कर लेगी माया कैप्चर कर के मतलब आप जो है आप अपने वास्तविक रूप में काम नहीं करेंगे आप सब उल्टा काम करेंगे जिससे आपको पाप कर्म पाप के भागीदार बनना अगर हम माया के अनुसार काम करेंगे तो केवल पाप और पुण्य इसी में सिमट के रह जाएंगे यहाँ पाप और पुण्य की खिचड़ी चलती पकती रहती है और ऋषियो बदलता रहता है गुणों के आधार पर रजोगुण तमोगुण बढ़ गया मतलब आप पाप कर्म कर रहे हैं सतोगुण थोड़ा बढ़ गया ओके थोड़ा सा पुण्य की तरफ भी आ गए फिर से पाप पुण्य इसलिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक काम को नहीं कर सकता है पुण्य पुण्य नहीं कर सकते आप आप पाप में भी लिप्त होंगे और जो पापी लोग हैं हाँ वो चाहे तो हर समय पाप जरूर कर सकता है है ना लोअर मोड्स में तो यहाँ पर इस श्लोक में अनुवाद में प्रभुपा जी यही बतला रहे हैं कि भौतिकता की लिप्तता से दूर होकर भक्ति करना मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हमको देखना है कि जो हमारे भौतिकता वाले विचारधारा थे ना हमारे बिहेवियर तो उससे हम कैसे कैसे वापस आके और जो प्रभुपात जी बोल रहे हैं उसमें कितना हम जा पा रहे हैं है ना और स्लोली स्लोली उसको अच्छे से करने की कोशिश करें यस सो अनुवाद बचाता yes. माता जी अनुवाद पढ़िए सॉरी तात्पर्य तात्पर्य परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतिति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता श्रील नारद ने श्रील व्यासदेव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाए श्रील व्यासदेव को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है जिसकी पुष्टि भगवत गीता सात पॉइंट उन्नीस में हुई है वासुदेवा सर्वमिति उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के में द्वारा है और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख दर्शन होता है पर ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है भगवान पूर्ण, mm. yes. भगवान पूर्ण, पुरुष है, परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती हैं, जिनमें से अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थता शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णनों से इस पर आएगा अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी हुई रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से बहिरंगा शक्ति की तुलना <coughs> बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है अर्थात परम जगत में ही यह प्रकट होती है जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर करिएगा यही था क्या आँँ. इस प्रकार ओके okay, अप्रशम yeah. शब्द इस बात का नहीं है। या नहीं, नहीं।, नहीं। माता जी यहाँ तक की जो आत्माराम है ये यह यहाँ से पड़ी है। नहीं।, नहीं नहीं रुक जाइए ये दूर दूर तुरंत दूर हो जाता है जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है यहां तक कि जो है, जो है, रहते हैं, वे भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं भक्तिमय सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति प्रकार भक्तिमय सेवा या भक्ति योग इस अंतरंगा शक्ति का कार है इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है भागवत गीता में कहा गया है नहीं। रुक ठीक है खत्म भागवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत है उद्भूत है साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया जाएगा हरे कृष्ण सो आई थिंक अभी हमारा जो ये जूम क्लास चल रहा है ये लाइसेंस्ड uh, वन नहीं है फिफ्थ को होगा डिब्यूटीज बिजी थे तो आई थिंक उन्होंने पेमेंट नहीं किया सो so, ये ट्वेंटी ये बंद हो जाएगा फिर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो अभी एक पैराग्राफ समझने की कोशिश करेंगे फिर नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे ओके okay? सो so, मैं एक पैराग्राफ को समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक uh, से समझने के लिए सो so, uh, यहाँ पर सबसे पहले प्रभुपात जी यहाँ बतला रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान को परम सत्य का अर्थ होता है भगवान भगवान का दर्शन केवल भक्ति योग से हो सकता है नारद मुनि ने व्यास देव जी को अष्टांग योग हट योग इन सब का इन सब को फॉलो करने का ज्ञान नहीं दिया उन्होंने उनको भक्ति योग दिया और भक्ति योग का अर्थ होता है बाकी सारे योग उसमें ऑलरेडी उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं और भक्ति योग मतलब पूर्ण योग अगर परम सत्य को का दर्शन करना है पूर्ण दर्शन करना है परम पुरुष का तो हर समय हमें भक्ति योग का सहारा लेना पड़ेगा पहला पॉइंट और रूपा जी ये भी लिख रहे हैं कि मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा के द्वारा ही परम पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति कर पाएगा दर्शन का अर्थ क्या होता है कई सारे लोग आ, हम लोग हमको पता है बहुत सारे लोग आप लोग तो दर्शन आंखों से दर्शन एक होता है सुना ना फिलोसफी दर्शन उधर भी दर्शन शास्त्र फिलोसफी दर्शन का अर्थ होता है जानना आंखों से देख के हम क्या करते हैं जानते हैं कई बार हम आंखों से देखते हैं फिर भी नहीं जानते हैं चीजों को नहीं समझते हैं बुझते कौन है क्या है तो दर्शन का अर्थ अनुभूति ज्ञान मिलना समझना कौन है व्यास देव जी ने देखा आंखों से यस नो no डाउट आंखों से भी देखा समझा ज्ञान की चक्षुओं से समझा तो जरूरी नहीं है कि भगवान को आंखों से ऐसे देखना जैसे दुर्योधन ने देखा था वो देखना नहीं जैसे भगवान को भीष्म ने देखा था वो देखना है मतलब जानना दर्शन करना मतलब उनकी अनुभूति होना समझना पूछना वो सारी चीजें कब होगा जब भक्ति में सेवा होगी तभी वो संभव हो सकता है प्रभुपाद जी यहां बोल रहे हैं कि व्यास देव जी ने भगवान को तो देखा लेकिन निराकार ब्रह्म को नहीं देखा ब्रह्म तेज को नहीं देखा लेकिन शास्त्रों में वर्णन है क्या वर्णन आता है शास्त्रों में वर्णन आता है कि हिरणमय न पात्रणा हिरनमय पात्रा यहां पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मतलब भगवान कृष्ण का जो मुख है ना मतलब पूरा 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 शरीर है उसके पहले ब्रह्म तेज होता है हिरणमये न पात्रेण ये आ, ये जो श्लोक है यह श्लोक जो है वो उपनिषद का है श्री ईशोपनिषद का जहां पर लिखा गया है कि भगवान के भक्त क्या होते हैं वो हिरणमय न पात्रे न हिरण्य हिरण मीन्स गोल्डन रेस किरणों को के अंदर भगवान के भक्त प्रवेश करके भगवान के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं तो यहां पर व्यास देव जी ने ब्रह्म तेज को नहीं देखा डायरेक्टली भगवान के मुखारविंद को देखा क्यों क्योंकि वो भक्ति मई सेवा के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं इसलिए उन्होंने निराकार ब्रह्म को नहीं देखा उन्होंने वासुदेव कृष्ण को देखा वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ जो भगवान की प्रेमा भक्ति में कार्य करते हैं वही भगवान को व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं परम पुरुष के रूप में देख सकते हैं ओके, और आगे फिर भगवान की शक्तियों का वर्णन किया गया है जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे क्योंकि यहां पर भगवान की केवल एक शक्ति को का वर्णन दिया गया है माया ये कौन सी माया है बहिरंगा शक्ति की बात की जा रही है रूपा जी तात्पर्य में डिटेल दे रहे हैं भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां होती है ना अंतरंगा अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति और बीच वाली शक्ति जो मनुष्यों की होती है उसको बोलते हैं तटस्था शक्ति ओके तो इसका डिटेल हम लोग कल करेंगे तो इसी के साथ क्लास चैंटिंग आई थिंक माता जी आप फिर से स्टार्ट कर लें रिस्टार्ट और फिर सभी जपा कर लेंगे ओके हम लोग कोशिश करेंगे अब एवरीडे क्लासेस करें कोशिश करें मैं बाहर भी हूं तो मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं ओके श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री शिनिता ईवरन की जय ग्रंथराज वंदन की जाए जय ठीक है हरे नमः ठीक जय हरे हरे तो हरे आप लोग फिर से ज्वाइन करेंगे रिस्टार्ट हो रहा है ये ठीक है ज़ूम अभी वन मिनट में ये क्लोज हो जाएगा रिस्टार्ट करना पड़ेगा ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण